अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जेजेपी का। इस सप्ताह के दौरान जेजेपी में क्या कुछ घटा, क्या कुछ जुड़ा, क्या कुछ इसके कार्यक्रम रहे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जी इंद्रपाल जी, जेजेपी का अगर हम जिक्र करना चाहें तो एक सप्ताह जो है, एक सप्ताह में क्या कुछ हुआ है? नरेश जी, जो पहला सप्ताह है अगस्त का, उसमें जेजेपी ने विशेष तौर से जो 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको देखते हुए जो अपना संगठन है उसमें नई नियुक्तियां की हैं जी। खासकर जिला अध्यक्षों की बात करें, जो पूरे प्रदेश में जेजेपी ने नए सिरे से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर नए हल्का प्रधान बनाए हैं। और अगर हम हिसार, कैथल और जींद तीन जिलों की बात करें, तो अगर हिसार की बात करें तो हिसार में उकलाना विधानसभा क्षेत्र से अनिल बालकिया को, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से सत्यवान कुहाड़ को, हिसार विधानसभा क्षेत्र से तरुण गोयल, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से मुंशी बेनीवाल, आसी विधानसभा क्षेत्र से राहुल मक्कड़ और नरवा विधानसभा क्षेत्र से राजेश सरपंच और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से ईश्वर सिंगवा को जो विधानसभा क्षेत्र है इनका हल्का प्रधान बनाया गया जी। जहां तक कैथल जिले की बात है, कैथल जिले में कैथल विधानसभा क्षेत्र से प्रेम ग्योंग, कलैत विधानसभा क्षेत्र से सुभाष सिसला, पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से राजू डुलपाई और गोला विधानसभा क्षेत्र से अशोक हरिगढ़ को हल्का प्रधान बना गया है। जहां तक जींद जिले की बात है, जींद जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जींद विधानसभा क्षेत्र से सुनील कंडेला, जुलाना विधानसभा क्षेत्र से नरेश लाठर, सफीतो विधानसभा क्षेत्र से अनिल कुंडू, ऊंचाणा विधानसभा क्षेत्र से विश्वजीत काला नंबरदार और नरवाणा विधानसभा क्षेत्र से सुरेश बेलरखा को हल्का प्रधान बनाया गया है। जहां तक जेजेपी की दूसरी गतिविधियों की बात है, इस सप्ताह में हिसार में 6 अगस्त को इंसो की हुंकार रैली भी जेजेपी की हुई, क्योंकि जो इंसो है वो जेजेपी की छात्र इकाई है और इसमें जो मुख्य मांग रही वो रहे छात्र संघ के चुनाव।